नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। भगवान शंकर से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। एट द सेम टाइम विशिंग ऑल द लेडीज आउट देयर अ वेरी हैप्पी विमेन्स डे। आप सभी को महिला दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की श्रृंखला में मैं हर सप्ताह के प्रोडक्टिविटी वीडियो से कुछ हटकर अपनी कुछ रचनाएं, अपनी कुछ लिखावट आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं ये रचनाएं आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत बनेंगी और आपके जीवन में एक नयापन लेकर आएंगी। और वीडियो के अंत में आज मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। तो मेरी पहली स्तुति है, मेरी पहली प्रस्तुति है, आज फिर सूरज उग आया है। आज फिर सूरज उग आया है, उम्मीदों की किरण ले एक नया सवेरा लाया है। सूरज की चमक देख मन में ये ख्याल आया है कि ना उगने का अभिमान ना डूबने का गम, निरंतर अपनी चमक से दुनिया को राह दिखाया है। जहां सर्दियों में इसकी चमक लोगों के तन को भाया है, वहीं गर्मियों में इसकी चमक को लोगों ने ठुकराया है। ये दुनिया मतलब से चलती है, खुद से खुद को ही चलती है। लोगों का क्या है, आज इसको कल उसको परसों किसी और को, अपने मतलब के हिसाब से गले लगाया है। पर एक दिन भी गर सूरज ना निकला तो लोगों की छोड़ सृष्टि का आसन डगमगाया है। इंसान अंधेरे में ठोकर खाकर खुद को संभाल न पाएगा जब तक सूरज की चमक से विटामिन डी बने, तब तक उसे सर आंखों पर बिठाया है। वरना घर की खिड़की दरवाजे बंद कर उसे ठेंगा दिखाया है। पर सूरज तो सूरज है, उसे लोगों के रवैये से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए छुप जाता है, फिर अगले ही सुबह चहक कर हाजिर हो जाता है। उसे चमकने से कौन भला रोक पाया है, जिसने हर इंसान को उसकी औकात दिखाया है। अपने आचरण को ऐसा रखें कि बेशक आपकी चमक लोगों को खले, पर आपके बिना उनका काम भी ना चले। चलिए दूसरी प्रस्तुति पेश करने जा रही हूं, और वो है सोच पे आधारित। हम निरंतर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इनफैक्ट हम कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। बहुत ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और वो भी अगर सोच नकारात्मक हो तो इसी पर आधारित एक लेख या कविता या कुछ छंद मैंने लिखे हैं, वो साझा करने जा रही हूं। फुर्सत मिली नहीं कि सोच मेरा मन बहलाने आ जाती, लाख दुत्कारने पर भी जाने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, ये जरूर है कि सोच दो प्रकार की होती, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख न भाती। पॉजिटिव सोच को कभी कभी हताश देख नेगेटिव मन ही मन मुस्काती, पर पॉजिटिव सोच के आगे उसकी हर चाल उस पे ही
भारी पड़ जाती। पॉजिटिव सोच ने चुपके से मेरी कानों में कहा, तू बाकी लोगों से थोड़ी अलग जरूर है, पर गलत नहीं है। ये सुनकर अच्छा लगा। हाथ पकड़ उसे अपने पास ही बिठा लिया। हमने जी भर कर बातें की, मन को गजब की तसल्ली मिली। अब उसका आना मुझे बिल्कुल नहीं खलता, बातों का सिलसिला लंबा चलता। दूर खड़ी नेगेटिविटी मुझे टेढ़ी नजरों से घूरती। मैं मुस्कुराकर उससे कहती, जा जाकर किसी और का दिमाग खा, मेरे पास तेरे लिए वक्त ही कहां। पॉजिटिव सोच को खुश देख नेगेटिव सोच थोड़ा झुंझलाती, पर पॉजिटिव सोच के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाती। बस इसी पल का फायदा उठाकर पॉजिटिव सोच झट मेरे पास आ जाती और मेरे मन की उलझन को मिनटों में सुलझा जाती। चलिए अब तीसरी कविता पढ़ती हूं। ये खास तौर पे महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी उनकी कमजोरी बन जाती है। तो उसी पे आधारित है, जो मन में है बोल दो, जो मन में है बोल दो, यूं खुट खुट कर जीना छोड़ दो। बस लहजे का ख्याल रख मन की गांठें खोल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग तुम्हें बुरा समझेंगे ना, तो समझने दो। अगर चुप रहे तब भी वो वही समझेंगे जो उन्हें समझना है। तो लोगों को समझना समझाना छोड़ दो, जो मन में है बोल दो, यूं घुट घुट कर जीना छोड़ दो। बोल दो तुम्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद, हर बार दूसरों की पसंद से चलना छोड़ दो। बात बात पे हामी भरना जरूरी तो नहीं, हर किसी की खुशी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं। कब तक यूं झूठी जुबान पर मिश्री घोलोगी, जुबान है कभी ना कभी तो स्वाद बदलोगी। कहते हैं खामोशी की भी जुबान होती है, पर इसे समझने का हुनर हर किसी के पास नहीं होती। तो अपनी खामोशी तोड़ दो, जो मन में है बोल दो, यूं घुट घुट कर जीना छोड़ दो। बोल दो लोगों ने किस कदर तुम्हें चोट पहुंचाया है, बोल दो किस तरह तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी दर्शाया है। बोल दो बस बोल दो। खुदा के लिए चुप ना रहो, कोई समझे ना समझे वो जरूर समझेगा। ऐसे बहरूपियों का पर्दाफाश कर दो और अपने मन का बोझ हल्का कर लो। सच के आगे झूठ की क्या औकात, अंधेरे से उजाले की ओर चलो, थाम कर बस खुद का हाथ। बोल दो बिंदास बोल दो, यूं घुट घुट कर जीना छोड़ दो। तो आज की ये मेरी प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, जिस महत्वपूर्ण जानकारी की मैं बात कर रही थी वीडियो के शुरुआत में, वो ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से। और दूसरी वजह यह है कि मैं अपने आप को रेपिटेटिव नहीं बनाना चाहती हूँ, यानी कि
एक ही तरह के कंटेंट को अलग अलग तरीके से अपने ऑडियंस के सामने नहीं परोसना चाहती हूँ। मुझे अपने वीडियोस में कुछ नयापन चाहिए होता है, कुछ फ्रेशनेस चाहिए होता है, और मैं किसी तरह का बनावटीपन अपने वीडियोस में नहीं रखती हूँ। मैं कोई फिल्टर नहीं यूज करती हूँ, जो सच है, जो जैसा है, वही आपको दिखाती हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू बीट्रे माई व्यूअर्स बाय यू नो प्रेजेंटिंग स्टेल ओल्ड रेपिटेटिव कॉन्टेंट। तो इसीलिए मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेने जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि आपके साथ मैं शॉर्ट्स के जरिए जुड़ी रहूं। कुछ शॉर्ट्स आपको निरंतर समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। इफ इट इज वर्थ शेयरिंग, कुछ ऐसा अगर मेरे सामने आता है तो वो मैं शॉर्ट्स के जरिए आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। और एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि शुरुआती दौर में जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं शुरुआत में घरेलू टिप्स के साथ साथ अपनी कुछ रेसिपीज भी शेयर किया करती थी अपने वीडियोस में। तो अगर आप रेसिपीज में इंटरेस्ट रखती हैं और चाहती हैं कि मैं रेसिपीज शेयर करूं, चाहे वो लॉन्ग वीडियो के जरिए हो या फिर शॉर्ट वीडियोस के जरिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अब हम बहुत ही यंग नहीं रहे, वी आर इन आर लेट 50s, एटलीस्ट आई एम इन माई लेट 50s, और यहाँ पर हम अपनी जो कोई एक नीश होती है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो उम्र का तकाजा कह लीजिए या हेल्थ इश्यूज कह लीजिए। तो अगर आप मुझे वो नीश बता सके कि मैं किस तरह के वीडियोस बनाऊं, किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगी, और जो आइडियाज मैक्सिमम होंगे उन पर मैं चलने की कोशिश करूंगी और उस तरह के वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जरूर ब्रेक लेना चाहूंगी, अपने आप को समय देना चाहूंगी, सोचना चाहूंगी कि मैं आगे अपने चैनल को किस दिशा ले जाना चाहती हूं, और साथ ही कुछ मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना है और उसके लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो वो होता है ना कि दो नाव पे पांव रखने से अच्छा है कि आप किसी एक चीज पे फोकस करें। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ, और हाँ, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मेरे साथ इतने सालों तक जुड़े रहे और मुझे सुनते रहे सब्र के साथ, और समय समय पे मेरी हौसला अफजाई करते रहे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू और मुझे मोटिवेट करते रहे। इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले एपिसोड में नहीं, लेकिन हाँ, जल्दी ही मिलने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे शॉर्ट्स के जरिए मुझसे जुड़े रहेंगे, और दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड बी हैप्पी।